नमस्कार, मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन गुड़गांव क्रिकेट के सुनहरे पन्ने पे आपको ले आया हूँ। और हमारे पास पहली बार हमें एक मौका मिला एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ रूबरू होने का, और मनविंदर बिस्ला सर हमारे साथ हैं और हम इस टाइम खड़े हैं स्पोर्ट्स क्यूब में। तो सर, वेलकम टू आवर चैनल गुड़गांव क्रिकेट, जहाँ पे हम एक गुड़गांव की सर एक कम्युनिटी बना रहे हैं क्रिकेटर्स की। जैसे आप ऑलरेडी हरियाणा से खेल रहे हैं या हरियाणा आप खेल चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है। तो सर, पहले तो बहुत 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 थैंक यू हमारे को समय देने के लिए, और बस थोड़े से हम आपसे आपका समय इसी बारे में चाहते हैं कि क्रिकेट के बारे में हमें बताएं सर, स्पोर्ट्स क्यूब के अंदर आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप हेड कोच हैं, तो उस बारे में सर कुछ बताएं हमें। नहीं, स्पोर्ट्स क्यूब एक काफ़ी अच्छा सेटअप है जो हम लोग ने स्टार्ट किया यहाँ पे, मिस्टर दीपक ने स्टार्ट किया है, और काफ़ी अच्छा हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। सीनियर कोचेज हैं, मैं लीड कर रहा हूँ यहाँ पे कोचेज को। हमारे पास सचिन राणा है, फॉर्मर आईपीएल प्लेयर, रणजी ट्रॉफी प्लेयर, हरियाणा से काफ़ी साल खेले हैं जी सर। देन हमारे पास रोहित प्रकाश हैं, यूपी से खेले में रणजी ट्रॉफी प्लेयर, रणजी चैंपियन है। अच्छा सर। और राज बिस्वा मेघालय के रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, लास्ट टाइम लीड भी किया था उन्होंने मेघालय को। एंड जयदीप हैं जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के लिए खेले, दिल्ली में काफ़ी साल क्रिकेट खेले हैं। उसके साथ हमारे पास साइड डाउन स्पेशलिस्ट हैं, दो जूनियर कोचेज और तीन हैं हमारे पास, तो काफ़ी बड़ी टीम है कोचेज की यहाँ पे, जो आपको बहुत कम देखते हैं, क्योंकि रेशियो हमेशा रहता है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं कोचेज कम होते हैं जी सर। बट ऐसा स्पोर्ट्स क्यूब में नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स के साथ साथ कोचेज भी बहुत ज़्यादा हैं, जो उनको एक अच्छा टाइम दे सकते हैं। आप सिर्फ नेट में बैटिंग नहीं करते हैं, आगे अगर आप बैट्समैन हैं तो नेट्स में आप बैटिंग करने के बाद ड्रिल्स करने का भी आपको टाइम मिलता है। हमारे पास बॉलिंग मशीन्स काफ़ी हैं, प्रॉपर इंडोर का हमारे पास सेटअप है, जहाँ पे 5 पिचेस हैं इंडोर, तो सेटअप बहुत अच्छा है यहाँ पे। और एक कोई यंग खिलाड़ी है जिसके पास बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे, कि अगर वो हार्डवर्क करने के लिए रेडी है तो हम लोग भी उसके साथ मेहनत करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा लगता है देख के कि आप जैसे यंग क्रिकेटर जो अभी भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप सीधा आईपीएल खेलते खेलते ही आपने कोचिंग भी शुरू कर दी। नहीं तो नॉर्मली हम जैसा देखते हैं कि कोचेज जो हमने बचपन में देखा है कि कोचेज थोड़े बहुत एक्सपीरियंस या 10-12-15 साल के क्रिकेट छोड़ने के बाद लोग कोचिंग में आते हैं, तो आप क्या प्रोत्साहन देना चाहेंगे सर? जैसे आजकल, पहले जब हम बोलते थे कि भारत के लिए लोग खेलते थे तो अपॉर्चुनिटीज कम हुआ करती थी, आज जैसे आईपीएल टीम बढ़ने से क्रिकेट पर फर्क पड़ा है सर? लोग, पेरेंट्स ज़्यादा खेल लाने लगे बच्चों को? बिल्कुल, अगर आप देखते हैं पहले सिर्फ इंडियन टीम में 15 खिलाड़ी खेलते हैं जी सर, खेलते तो 11 ही, 15 टीमें होते हैं, लेकिन उसके लिए भी कितना मेहनत करनी पड़ती है। और लोग, जरूरी नहीं है कि आपको, आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिलेगी। यस सर। आप सही टाइम पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, वो बहुत डिपेंड करता है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा था अब, लेकिन अब ये है कि आपके पास, आप इंडियन टीम का पार्ट नहीं है तो अगर आप देखेंगे जो इंडिया अंडर 19 को माइलेज मिलती है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपके पास इंडिया अंडर 19 में आप अच्छा करते हैं वैसे आपको वापस मिलती है, ऑक्शन के अंदर आपको कोई टीम पिक कर लेती है। 8 टीमें आपके पास आईपीएल में है जिनमें लगभग 17-18 खिलाड़ी इंडियन खिलाड़ी होते हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। और अभी जो सुनने में आ रहा है कि 2 टीमें और बढ़ जाएंगी, तो उससे एक अलग प्लेयर्स को मौका मिलता है, यंग प्लेयर्स को मौका मिलता है, जो कि हम पहले कुछ साल पहले तक नहीं देखते थे, लेकिन अब यंग क्रिकेटर्स में बहुत सारे लोग बिलीव करने लगे हैं। और जो एक पहले गैप था, मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो आईपीएल ने बहुत ख़त्म कर दिया। जब आप आईपीएल खेलते हैं तो आप उन्हीं क्रिकेट स्टार के साथ खेलने की ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उन्हीं के साथ सीखते हैं, तो आपको वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप पहुँचते हैं तो जो गैप होता है वो बहुत कम लगता है, क्योंकि आप उन्हीं प्लेयर्स के साथ खेल चुके हैं। तो सर, आपका सफ़र क्रिकेट का मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपकी विस्फोटक बल्लेबाजी देखी है एज ए ओपनर, और आप किंग्स इलेवन पंजाब के लिए शायद आपने शुरुआत की थी पहले आईपीएल में, और फिर केकेआर के लिए रहे। बिल्कुल, किंग्स इलेवन ने मुझे फर्स्ट मौका दिया था आईपीएल के अंदर। कौन सा साल था सर ये? 2010 में। 2010 में, तो ये थर्ड एडिशन होगा? हाँ जी, थर्ड एडिशन था। और उसके बाद फिर आप वहाँ से कितने साल खेले? किंग्स इलेवन से मैं 1 साल ही खेला, देन मैं नेक्स्ट ईयर फिर 4 साल में केकेआर का। मुझे क्योंकि किंग्स इलेवन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और जब मैं आपकी बैटिंग देखता था मैं कहा चलो अच्छा है एक हमारे को, और जब फिर आप केकेआर में गए, बट ठीक है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, आपका वहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा वहाँ पे। फिर देन 4 साल में केकेआर के लिए खेला, और फिर वहाँ 2 साल आईपीएल चैंपियन ही बने हम लोग जी सर। वो एक बहुत अच्छा मोमेंटम रहा वहाँ पे, बहुत गौतम के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, गौतम का बहुत कुछ सीखने को मिला, जितने डेडिकेटेड हैं और जितना टीम गेम उन्होंने खेला है, मुझे लगता है बहुत कम क्रिकेटर्स ने ऐसा। ही इज अ वेरी गुड लीडर, जैसे सुनने में आता है कि एक बहुत अच्छे लीडर हैं, और अब तो खैर वो पॉलिटिक्स में भी उतर चुके हैं। बिल्कुल, तो उनके साथ जैक कैलिस, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे कि जो, मतलब मैं कहूँगा सुनील नारायण वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, ब्रेंडन मैकलम थे वहाँ पे, तो जब ऐसे प्लेयर्स के साथ आप खेलते हैं और आप डे टू डे वो देखते हैं उनको कि किस तरीके से वो अपने क्रिकेट में डेडिकेटेड हैं, और किस तरीके से वो कॉन्फिडेंस जो महसूस करते हैं अपने गेम को लेकर, कभी भी ऐसे नहीं लगता कि 2 मैच खराब हो गए तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उन्होंने अपनी एबिलिटी के ऊपर लूज़ कर दिया। तो वो जब उनके साथ मैं रहा तो और बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे लगता है काफ़ी मुझे
हेल्प मिली अपने गेम के अंदर, और वही चीज सब चीजें मैं अब शेयर करता हूँ यहाँ पे आगे। तो सर स्कूल कॉलेज का कुछ बताएंगे हमें कि स्कूल कॉलेज का क्रिकेट आपका कैसा रहा, कहाँ से स्कूलिंग करी, कहाँ से कॉलेज के लेवल पे आप खेले, तो कहाँ से खेले? मैं बॉर्न हुआ था हिसार के अंदर, हरियाणा में। हरियाणा में तो मेरे फादर HAU के अंदर थे, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। देन मैं स्पोर्ट्स खेलता रहता था अलग अलग तरीके, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर आई थिंक फोर्थ क्लास के बाद मेरे फादर ने बोला कि भाई एक गेम कोई भी पिक कर लो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि एक महीना आप फुटबॉल खेलते हो, एक महीना आप स्विमिंग करने चले जाते हो, जी सर, दो महीने के बैडमिंटन खेलते हो, तो इट्स बेटर कि आप एक गेम चूज कर लो। और फिर फोर्थ क्लास से आपने स्पोर्ट्स में क्रिकेट को? फोर्थ तो नहीं कहूँगा, फिफ्थ तक मैं हिसार के अंदर क्रिकेट खेलना शुरू किया था। मेरे वहाँ पे कोच थे मिस्टर अनुराग हुड्डा, और जिन्होंने मेरे शुरू में सिखाया सब कुछ, और जो लगन मेरे अंदर पैदा हुई वहीं से शुरू हुई। देन फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि फैजाबाद के अंदर एक हरियाणा क्रिकेट नर्सरी है, आप वहाँ चले जाइए, वो गवर्नमेंट और डीवी स्कूल का सेटअप है। राइट सर। फिर वहाँ मेरा ट्रायल्स के अंदर सिलेक्शन हुआ। देन ट्वेल्थ क्लास तक मैं वहीं पे था, फरीदाबाद में खेला। और मिस्टर राजकुमार शर्मा मेरे कोच थे वहाँ पे, जिन्होंने सारा क्रिकेट का स्किल्स की बात करूंगा, टेक्निक की बात करूंगा, सब कुछ मेरे को सर ने सिखाया। राइट सर। तो वहीं मैं हॉस्टल के अंदर रहा, डीवी स्कूल के अंदर पढ़ाई करी, और वहाँ से मेरे को जो क्रिकेट सीखने को मिली। और फिर एयर इंडिया, और मैं कहूंगा कि एयर इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा। एयर इंडिया के लिए खेलते रहे जब मैं स्कॉलरशिप में आया वहाँ पे, जब उस टाइम इंडियन लाइन्स होती थी, तो जब मैं वहाँ स्कॉलरशिप पे आया, और फिर जितनी भी मैंने लोकल क्रिकेट खेली या जितने बड़े बड़े क्लियर्स के वहाँ। तो एयर इंडिया में आप पहले आ गए थे सर कॉलेज क्रिकेट के टाइम में? मैं सेकंड ईयर में हिंदू कॉलेज में था, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा, तो आप हिंदू कॉलेज से आपका स्टडीज है? तो फिर मेरा जॉब लग गया था, फिर मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। ओके। इसलिए मेरे फिर ग्रेजुएशन मैंने लास्ट में प्राइवेट की। और सर IPL में जो एंट्री हुई वो क्या था, क्योंकि उसके लिए तो बहुत लोग दौड़ते होंगे, मतलब हजारों की भीड़ में, शायद ट्रायल के लिए हजारों की भीड़ रहती होगी उसमें? तो बिल्कुल, तो मेरा जैसे जर्नी स्टार्ट हुई IPL की, BCCI ने एक साल कॉर्पोरेट कप कराया था, जो उसमें जॉब्स क्रिएट करने के लिए एक कॉर्पोरेट टीम्स को एक मौका दिया गया था कि आप एक अच्छा टूर्नामेंट खेलें। तो उसमें एयर इंडिया की टीम ने पार्टिसिपेट किया था, और मेरा वो टूर्नामेंट बहुत अच्छा रखा था पर्सनल लेवल पे। हम लोग फाइनल हार गए थे, एयर इंडिया की टीम से हारती, एयर इंडिया की दो टीमें थी क्योंकि प्लेयर्स बहुत ज्यादा थे जी। तो लेकिन मेरा वो टूर्नामेंट इतना अच्छा गया था, तो मुझे याद है कि यूवी भाई ने मेरे लिए बात करी किंग्स इलेवन में कि आप ट्रायल पे जाओ वहाँ पे। और तो ये सर कब 2008-09 की बात होगी? 2010 की बात, 2010 की। फर्स्ट टू एडिशन में मेरे को मौका नहीं मिला था, फिर मैं वहाँ पे गया, तो दिन मेरे ट्रायल्स अच्छे गए, तो मेरे को फिर वहाँ खेलने का मौका मिला। और आपने बैटिंग भी की और ऊपर भी बहुत अच्छा खेला। आईपीएल वो सीजन अच्छा गया, जितनी अपॉर्चुनिटीज मिली मैंने अच्छा स्कोर किया, कैश किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर आई मूव टू KKR। सो सर गुड़गांव क्रिकेट के लिए आपका क्या संदेश है, जैसे हमारी ये कोशिश है ये एक कम्युनिटी बनाने की, कितना बड़ा गुड़गांव में क्रिकेट हो चुका है और कितना और बड़ा होगा? मैं तो कहूँगा गुड़गांव काफ़ी बड़ा है क्रिकेट के अंदर, अगर आप स्कोप देखते हैं कि जितने ग्राउंड्स हैं गुड़गांव के अंदर बहुत, और ग्राउंड सिर्फ ऐसे नहीं कि नॉर्मल से ग्राउंड, बहुत ही अच्छे अच्छे ग्राउंड्स हैं वहाँ पे, और बहुत कुछ अच्छी अकेडमीज़ भी हैं जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। और मैं कहूँगा और कॉर्पोरेट क्रिकेट को ही देखेंगे, अगर आप जितनी सैटरडे संडे आपको कोई भी ग्राउंड खाली नहीं मिलता है, खेलते देखते हैं, तो गुड़गांव में काफ़ी स्कोप है क्रिकेट का। तो ये अभी कितने बच्चे सर आपके अंडर कोचिंग में हैं करीब, यहाँ पे कितने लोग अपने पेरेंट्स लेके आ रहे हैं? क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा सेटअप हो गया है हमारा, दिन हम लोगों के पास 20 बच्चे दीपक भाई की फाउंडेशन है, उनके फाउंडेशन के बच्चे हैं। राइट सर। और उसके बाद रफली अराउंड 50 किड्स बाहर से आते हैं करेज ग्रुप के अंदर, तो 70 हैं अभी जो लास्ट 3-4 महीने में मैं कहूँगा कि जो, तो 70 सितारे हमारे पास हैं जिनको आप तैयार कर रहे हैं, और ये सब भारत का भविष्य है। और गुड़गांव क्रिकेट पे सर का, बिस्ला साहब का आने के लिए मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। और सर थैंक यू, और गुड़गांव क्रिकेट के लिए एक बार हमारा जरूर बोल दीजिए कि लोग इस चैनल को देखें, और फेसबुक पे आप भी जरूर लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।